माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई सबको जय श्री राम। और अभी बज रहे हैं, बताऊं कितने बज रहे हैं, रात के ना 1:50, मतलब 1:50 हो रहे हैं रात के। और आज है 30 दिसंबर, मतलब एक दिन और फिर ये साल ख़त्म। ये साल में भाई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा गया हमारा ये साल। और आशा करता हूँ मैं, आई होप सो, कि मेरा नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा जाए, सबका अच्छा जाए, मेरा क्या सबका ही अच्छा जाए। भोले बाबा सबको तरक्की करे, सबकी ज़िंदगी मतलब सबका बढ़िया साल जाए, मज़े में बिल्कुल। और भाई अभी बज चुके हैं 1:51 हो चुके हैं। मैंने ना यार, मेरे को बैठे बैठे नींद आ रही थी, मेरे को करना था व्लॉग एडिट, तो मैं अभी कुछ काम कर रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी। अब मेरे को करना है व्लॉग एडिट, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने बनाई है। पता ना, नींद भगाने के लिए एक तो चाय होती है, एक दूसरी कॉफ़ी होती है। तो अभी मैंने कॉफ़ी बनाई है 2 कप, एक मेरे लिए और बाकी मेरी बहन गई हुई है ऑफिस, ठीक है, दूसरी बहन भी गई हुई है और मम्मी पापा सो रहे हैं। तो दूसरी कप मैंने बनाई है नीचे गार्ड भैया के लिए, बिकॉज यार उन्हें भी ठंड लगती है, रात के समय है, ठंड भी लगती है और नींद भी आने का टाइम है ये, तो मैंने उनके लिए भी कॉफ़ी बना दी। अब मैं जा रहा हूँ बस उन्हें देने, फटाफट से चलते एक बार कॉफ़ी में बढ़िया सा गर्मा गर्म, आहा कॉफ़ी, नींद ऐसे खोल देते ना, क्या ही बताऊँ। और भाई सेकेंड थिंग, पहले चलते हैं नीचे भैया को कॉफ़ी देते हैं और करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। जो भी हमारे चैनल पर नए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और मेरा इंस्टाग्राम पे शोर होगा, जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं व्लॉग में, व्लॉग पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करो और कमेंट करके बताया करो क्या कॉन्टेंट आने चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कैसी वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो मिलते हैं व्लॉग में, चलो चलते हैं नीचे और भैया को देते हैं कॉफी और भैया के रिएक्शन देखते हैं कैसे रहते हैं। तो लेट्स गो, करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। पहुंच चुका हूँ नीचे, आ चुके लेफ्ट नीचे जीरो पे और ये ओपन ही हो चुके और ये भी अपनी कॉफी, चलते हैं भैया को देते हैं और भैया के रिएक्शन देखते हैं कैसे रहते हैं। भैया लगता है बाहर गए, शायद वॉशरूम गए होगी क्योंकि बिजी तो नहीं है, ये बैठे हैं मूवी देख रहे हैं। देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको, कॉफ़ी जा रहा हूँ मैं, भैया के पास भैया वो बैठे। और भैया ना यार, ये लो लो चाय, नहीं है कॉफ़ी, वैसे ही मैं बनाई थी अपने लिए, मैं व्लॉग एडिट करने लगा था, लो ये रख लो ना, मैंने कहा भैया भी पी लेंगे। हाँ भाई कॉफ़ी है, देख लो चाय नहीं है कॉफ़ी है, देखो कॉफ़ी है ना, बोल दो अपने मुँह से कॉफ़ी है। हाँ खुशबू देखो, भैया बैठ के अपना आराम से, वो तो अब चेयर रख लिया करो भैया, आराम से बैठ के अपना मूवी देख रहे भाई, भैया बैठ के मूवी देख रहे थे, मैं भैया को कॉफ़ी दे रहा। हाँ सही है, देखो मुझे लगा शायद मैंने वहाँ से देखा, मैंने कहा भैया शायद गए वॉशरूम, बट भैया बैठ के मूवी देख रहे हैं। हाँ सही है यार, क्योंकि सामने से ना यार डायरेक्ट हवा आती है एंड देन भैया को मैं बोल, यहीं सही रहता है। और ना सेकंड थिंग, भैया से पूछते हैं भैया कॉफ़ी कैसी लगी आपको, हमारा सरप्राइज कैसा लगा, ऐसे अगर रात के समय नहीं रहती है। नहीं मैं जगूंगा भाई, नहीं मैं जगूंगा भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं रोज़ रात को लेट जा रहा था, मतलब डेली 2 दिन से मेरा कोई सीन चल रहा था, है ना भैया, तो इसलिए लेट हो रहा था थोड़ा मैं। भैया कह रहे तुम सुबह नहीं जगने वाले, क्या लगता है भैया, नहीं जग जाऊंगा यार, क्योंकि ना आज मेरे पे सबके मैसेज आए हैं, मतलब ग्रुप पे 2 दिन से बात हो रही है, कनुजा जी कहाँ हो तुम, सुबह नहीं आते, कहाँ हो कहाँ हो। अभी लास्ट आशीष भाई को भी मैंने बोल दिया था, भाई मैं कल से पक्का आने वाला हूँ भैया, आशीष भाई सॉरी, कल से भैया मैं पक्का आऊँगा, कल से मिलता नहीं, भी मेरे ऊपर है, मैं तो आपके लिए गर्मा गर्म करके बिल्कुल व्लॉग बना रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे। अब भैया को, भैया कैसी लगी, सही है टेस्ट, सच सच बता ना दिल से, बढ़िया बिल्कुल, 2 कॉफ़ी मिक्स करके चोको पाउडर मिक्स करके फिर बढ़िया तरीके से बिल्कुल एक नंबर की कॉफ़ी बनी। भैया अपना बैठ के पी रहे हो कॉफ़ी, मैं 5 मिनट बस चल रहा हूँ भैया से बात कर दो, 5 मिनट फटाफट से चलते हो, पर मुझे करना है व्लॉग एडिट, रात के बज चुके हैं 2, मैं बस भैया को स्पेशल कॉफ़ी देने आया था, मैंने कहा चल ठीक है, ठंड भी और थोड़ी गर्मा गर्म कॉफ़ी, और जो हल्की फुल्की नींद आने लगती है इस समय, देखो सोते नहीं है भैया, सोते नहीं है, बट हाँ ये टाइम होता है 2 से 4 का नींद वाला, क्यों भैया सही बात है ना, ये टाइम तो भाई सबको, मेरे को भी नींद आ रही थी ब्लॉग एडिट करते हुए, मैंने इसलिए कॉफ़ी बना दी भैया के लिए और अपने लिए। अब फटाफट से बस 5 मिनट भैया के साथ बैठ के बाद भैया कॉफ़ी पी रहे, सही है ना भैया, दिल से बोलना ब्लॉग वीडियो के लिए मत बोलना,
चलो भाई अब 5 मिनट बात करते हैं, चलते हैं ऊपर। सबको गुड मॉर्निंग, बिकॉज अभी 8:11 हो चुके हैं। रात को मैं व्लॉग एडिट कर रहा था ना, तो लाइक पिल्लो में स्ट्रेट लगा के सोया था, तो ऐसे ही सो गया मैं। फिर मेरी आँख खुली 5:30 के अराउंड, तो मैंने कहा चल 5-10 मिनट अभी नीचे लेटता हूँ जब स्ट्रेट होके, क्योंकि गर्दन फिर ना ऐसे अकड़ जाती है। तो मैं लेटा हूँ, जस्ट अभी उठा, मेरे पे देव का फ़ोन आया, पाजी कितने हो? मैंने कहा आ गया, बस 10 मिनट रुको। 8:11 हो चुके, फटाफट से चलते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड पे मिलते हैं, बिकॉज आज तो बहुत सारे जने आए हैं। मैंने ग्रुप में देखा सब ने अटेंडेंस दिया, आ रहा हूँ इन। तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे ग्राउंड में। ग्राउंड पे पहुंचे तो भाई पास से 10 मिनट हो चुके, बट इनका मैच चल रहा था, बस अब एक रन चाहिए। कितनी बोले जोगी भाई? 2 बोले। ये आशीष भाई से 1 रन लगना है, बस देखते हैं अब कौन मार पाता है। देखो ये टीम है, अजय भाई भी मेरे साथ ही आया, जोगी भाई, सुमित भाई, साहु भाई और आशीष भाई। 1 ओवर में 1 रन चाहिए। और तरुण भाई, अभिषेक भाई, देव और पीछे मदन भाई, ये सारे हैं। हाँ ये देखो ये सर, अब देखते हैं आशीष भाई से 1 रन लगता है या नहीं। ये मारा और ये ले लिया रन, आशीष भाई की टीम जीत गई और अब हम खेलेंगे। की बैटिंग चल रही थी और सुमित भाई ने शॉट देखो कहाँ उड़ाया, कहाँ पे गया बॉल लेने। 1 सेकंड सुमित भाई, हाय करो, हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ भाई साहब, अब इससे पहले मेरा ओवर था, मैंने भी 1 विकेट ले ली 1 रन के साथ। वाला मैच जीत चुके हैं, हमारी बैटिंग आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ रनिंग पे, तरुण भाई अपना बैटिंग पे। तरुण भाई चलो अब हम चलते थोड़ा हम खेलेंगे। और देव, अरे नहीं दोस्तों, आप उन्हीं में हैं, जीत गए, 2 मैच लगातार जीते हैं, 2 मैच लगातार, तीसरा भी जीत जाएंगे। बस मैं अभी बैटिंग करके बैठा ही था, तो ना मैंने आती अपनी यूट्यूब खोली, यूट्यूब पे देखा यार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश के मतलब प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मम्मी का निधन हो चुका है यार। ये बात सुन के ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ, बट यार भगवान की आत्मा को शांति दे, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। और क्या बोलूँ, मैंने बस न्यूज़ जैसे ही खोली, मतलब अभी जैसे ही यूट्यूब खोला तो टॉप की वीडियो आ रही थी, लाइव ही चल रहा था, तो वो देखा मैंने। एंड देन मतलब मैं एकदम से वो हो गया कि यार, और मैंने अपने जो मतलब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी मतलब जो फेस था ऐसा था, मतलब यार क्या ही बोले, मम्मा तो मम्मा होती है सबकी, वो मान तो प्रधानमंत्री है देश के, बट उनकी मम्मा भी तो मम्मा ही है ना यार, क्या करें। तो चलो भाई कोई नहीं, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और बाकी अपनी चल रही है। हमारा मैच खत्म हो चुका है, पहला मैच तो देखो मैं खेला नहीं था, 2 मैच खेला हूँ, दोनों मैच जीते, मतलब 3 मैच जीते जिस टीम में मैं था, 3 मैच जीते। और मैं और अपना साहु भाई जा रहे हैं। साहु भाई क्या हाल है, ठीक हो? और कुछ बोलो। कुछ नहीं, मतलब बहुत मज़ा आ गया भाई आज, सही मज़ा आया, मतलब आज तो साहु भाई ने भाई इतने शॉट मारे, साहु भाई फुल फॉर्म में थे आज, क्यों साहु भाई? हाँ छक्के चौके, साहु भाई कह रहे हट जाओ सामने कोई भी नहीं है, और पीछे अपना देव आ रहा है, देव बाकी सारे निकल गए भाई अपना। मैंने कहा चल भाई हम तो जा रहे हैं, क्योंकि मेरी स्कूटी यहीं खड़ी है बाहरी गेट पे, हम जा रहे हैं। चलो साहु भाई बोले, बोल दो कुछ। फोन पे हो? फोन पे मीटिंग चल रही है साहु भाई, मीटिंग समझ रहे हो ना? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? जा ही रहते, इतने में कह रहा भाई ब्लॉग बनाओ, मैं भी बोलना चाहता हूँ कुछ, बोलो भाई। भाई बस बता नहीं सकते, इतना गंदा हारे है ना, और फिर बाद में मतलब एक रोना सा आ जाता है, बार बार कैच हो जाता है यार। पहले 2 मैच में हमारी टीम में था, तीसरे मैच में टीम चेंज हो गई, क्योंकि आशीष भाई घर चले गए थे, तो हमारी टीम से ही उधर चला गया, और उधर से कॉमन था ना अजय भाई, कॉमन थे ना, अजय भाई कॉमन, अजय भाई यही कॉमन बन गए थे, आउट हो गया मैं, कैच आउट। आज मुझे छक्के मारने का मन था लेकिन मार नहीं पाया, देव का बॉलिंग में आउट हो गया, 2 बार कैच में आउट हो गया, देख रहे हो इसे कहते हैं बैट बेकार है, स्ट्रोक ही नहीं लग रहा है। हाँ बैट खत्म हो गया, बैट लेके आना नहीं, तो बॉल भी ऐसी लाते हैं जो जाएगी तो स्पीड में लेकिन इतनी मंदी से ही रुक जाती है यार। विक्की से खेलते लाल वाली बॉल से, हम सैटरडे संडे खेलते शायद, मतलब शायद कह रहा हूँ कभी कभी, बाकी पहला मैच तो मैं खेला नहीं था, 2 मैच खेला हूँ, तो दोनों मैच जीत ही चुका हूँ, ये 2 मैच जीता 1 मैच हारा, दोनों देव का बॉलिंग में आउट हुआ, दोनों मैच में क्या आउट करवाया। चलो भाई मिलते हैं बाद में। दोपहर के 12 बच्चों के सबको गुड आफ्टरनून, मैं बैठ के ना ब्लॉग बस यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला था, तो बस 5 मिनट का प्रोसेस रह गया था, और तो मैंने मेरे को नीचे कुछ काम था, दैट्स व्हाई तभी मैं नीचे आया हूँ, और मन कर रहा कुछ नाश्ता करने का अंकल बस से, तो बाहर जा रहा हूँ तो देखता हूँ, अगर कुछ मन करा जैसे छोले भटूरे या कचौड़ी आलू टाइप तो कुछ खा भी लेंगे, मतलब ले आऊँगा पैक करवा के फिर आके खा लेंगे, और बाकी चलते हैं फिर अभी आके यूट्यूब पे, मतलब
पोस्ट भी करनी है मुझे वीडियो, तो फटाफट से चलते हैं और बाहर से मेरा खनुजा ब्लॉग्स। खनुजा बाबू बाबू एक बार बोलो, राधे राधे बोलो, पहले राधे राधे बोलो, फिर मैं झूला झुलाऊंगा। अच्छा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसे ही ले, बॉल 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 बॉल, पहले बोलो राधे राधे, पहले बोलो राधे राधे, पहले बोलो राधे राधे, बोलो कैसे हो सभी। अच्छा बोल दे एक बार, इधर इधर ना वो बोल दे, मैंने बॉल 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 बॉल, आजा आजा। अच्छा एक बार बोलियो, पहले बोलो सब्सक्राइब कर दो, पहले बोलो, पहले बोलो, पहले बोलो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, बोलो लव यू। ये बाबू पैसे लोगे, बोलो कैसे हो, बोलो आ नहीं रहे मुझसे मिलने, मुझे मिलने आ रहे नहीं, बोलो आ जाओ मारूंगा। क्या कह रहे थे जी जागी। अच्छा बोलो, बोलो लव यू, लव यू, बोलो कैसे हो, मारेंगे नो मारते थोड़ी ना, ये थंबनेल मिल गया मुझे, मारेंगे, बोलो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, किसको मार रहे हो, ईट को, ए ऐसे कर दो, बंद कर दो, कैमरे पे मार दो, कैमरे में मार दो, यहाँ पे कर दो बूम, ऐसे कर दो। उस समय नीचे गया था तो आप सभी से मैंने बोला ही था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए देख लूँगा, तो भाई सामने ना वो मतलब मैं बीकानेर स्वीट्स पे गया, दैट्स व्हाई वहाँ जाके तो मन कर गया गर्मा गर्म कचौड़ी आलू खाने का, तो बस वही लेके आया हूँ। और सेकेंड जब मैं ऊपर आया तो बाबू मिल गया, फिर थोड़ी देर बाबू के साथ खेला, देखा ही होगा आप सभी ने, कह रहा मारूंगा भाई, मैंने कैसे नहीं बोलते, तो बस ऊपर आया मम्मी से मैंने बोल दिया, मम्मी बना रही है चाय, इतने मम्मी ने गर्म कर दिया सब्जी, क्योंकि मैं बाबू के साथ खेला हूँ तो ठंडी वंडी हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने नो 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 कैंपा थोड़ी ना पीऊँगा, चाय लाओ। मम्मी लाती है चाय, तो जब तक स्टार्ट करते अपनी कचौड़ी आलू, बिकॉज सामने पड़ी है और वेट नहीं हो रहा, ये पड़ी और मेरे से वेट नहीं हो रहा, देख रहे हो धुआँ ये, और साथ में अचार, वेट नहीं हो रहा, फटाफट से खाते, और अभी टाइम हो चुका है 1:10, तो फटाफट से खा के चलते हैं नीचे, 1:30 बजे तक धूप धूप लेंगे, क्योंकि छोटे भाई का फ़ोन आया था तो जाके मिलवाता भी हो, ठीक है ना, मिले हो यार बहुत बार, गैस करो तब तक चलते हैं। नाश्ता करके जस्ट हटा ही था, चाय पी रहा था, इतने में ना यार मैंने ड्राई क्लीन के लिए मतलब एक अंकल है वो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो उनको मैंने फ़ोन कर दिया था कि मेरे को एक जैकेट देनी थी, तो वो टाइकनिंग करवा के लेना, बस मैं देने ही जा रहा हूँ नीचे ही हूँ लॉबी में, ऊपर चलता है फटाफट से, पहले ऊपर भी काम है मुझे, क्योंकि घर पे मम्मी पापा कोई भी नहीं है, सारे गए हुए नीचे धूप में, और टाइम हो चुका है 1:32, तो फटाफट से चलते हैं, जैकेट दे के आते हैं, ये रही अपनी जैकेट, दे के आते हैं भैया को, और फिर ऊपर चल के मैं तो क्या कर रहा था मैंने गाने चलाए थे जस्ट सिद्धू मूसेवाला सर जी के, एकदम से फोन आ गया अंकल का, कोई नहीं फटाफट से चलते हैं ऊपर, देते अंकल को जैकेट और फिर सुनते सिद्धू मूसेवाला सर जी के गाने। भाई कल है 31st और अभी से ही पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है, अब मेरा भाई आने वाला है, एक मतलब रियल भाई नहीं है, नेबर्स में भाई मतलब मैं उसे बोलता हूँ, तो वो यहाँ से मतलब ना कहीं गया हुआ था बहुत दिनों से, तो अब वो आने वाला 2:30 बजे तक, और अभी बज चुके हैं 1:47, मैं बैठ के बस गाने सुन रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कल की प्लानिंग देखते हैं, अब समझ नहीं आया, अभी तो सिद्धू मूसेवाला सर जी के चल रहे थे, अब दिलजीत दोसांझ जी के चल रहे हैं, गाने सुन के ये गाना भाई जब आया था ना इतना फेम पे गया था, इतना फेम पे गया था पूछो मत, लैम्बोर्गिनी जिसने नहीं सुना दिलजीत दोसांझ का जाके सुनना, बहुत बढ़िया गाना है पूरा अच्छे से। और सेकेंड थिंग भाई मैं अभी बैठा हुआ था तो क्या हुआ, नाश्ता कर रहा था, सामान ना कुछ था मतलब, अब हुआ क्या कि ना मेरे को मेरा बैट मिला जिससे मैं बहुत टाइम पहले अपने मैंने क्रिकेट की किट ली थी, लाइक उससे मैं खेलता था मैं बैट से, तो क्रिकेट की किट तो मैं अपनी जहाँ पे दिल्ली में रहता था वहाँ दे आया था, मैं पूरी बैट लेके आया था, बट मैं तो आज बहुत टाइम बाद मेरे को वो बैट मिला, मतलब रखा हुआ था टेबल के पीछे करके, तो आज टेबल हिलाई होगी तो बैट मिल गया, मैंने निकाल लिया, बैट की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रखी है, पूरी ग्रिप मैंने उतार के फेंकी है, एक ग्रिप देखना, बैट देखना ऐसा ग्रिप भी चिपक चुकी है उससे, ऐसा लग रहा है अजीब सा, तो बैट को साफ करते हैं, नीचे जा ही रहा हूँ धूप सेकने, तो जाके बैट पे एक बढ़िया सी चढ़ा के आता है ग्रिप, बिकॉज कल बैट बॉल खेलना है, तो कल से मैं अपने बैट से अपना बैट लेके जाऊँगा, बढ़िया भाई बिल्कुल एक नंबर की स्टॉक, मतलब बैट एकदम बढ़िया, बस अब फटाफट से दिखाता हूँ पहले बैट को, फिर चलते हैं सीधा शॉप पे, जाके ग्रिप चढ़वा के आते हैं और फिर मिलते हैं, अभी देखो पहले बैट भाई, ये देखो भाई ये है वो बैट, अभी देखो इस पर ग्रिप चिपक ही रही है सारी,
ठीक है, अभी उतारी थी मैंने थोड़ी देर पहले ये वाली ग्रिप, देखो ये रही, ये है वो ग्रिप सारी अभी उतारी थी मैंने बहुत टाइम पहले की भाई। बाकी इस पर मैंने बैंड वैंड भी छुड़ा रखा है, बिकॉज ये लेदर का बैट था, मैं खेलता था इससे बहुत टाइम पहले की बात है यार, जब से आज निकला है तो मैंने कहा चलो आज भी खेल लेंगे। बाकी ये पूरा बैट ऐसे ठीक है, और ना इस पर अपना कुछ पर्सनल चीज़ है वो नहीं दिखा सकते, बाकी नाम वाम लिखा हुआ क्योंकि हम पहले ग्राउंड जाते थे खेलने, बाकी तो ऐसी कुछ बैट अपना। तो भाई पहले ना हम ग्राउंड जाते थे इसलिए वहाँ पे बहुत सारे बैट बॉल हर चीज़ आती थी, तो अपना नाम लिखना पड़ता था, क्योंकि यार मतलब वहाँ पे एक टाइम पे ना करते भी ग्राउंड में मतलब कितने बच्चे होते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था हमारे इलाके में बहुत बड़ा, तो हर अलग अलग पिच पे खेल रहे होते थे, कोई पार्क में, कोई ग्राउंड में, कोई उसके बाहर, पता नहीं जहाँ पे जगह मिलती थी वहीं खेलने लग जाते थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो इसलिए मैंने भाई नाम वाम लिखना पड़ता था। तो बस यार अब चलते हैं नीचे, देखा आप सभी ने बैट, अब इस पे ग्रिप ग्रिप चढ़ा के पहले इसको ग्रिप साफ करते हैं, फिर ग्रिप चढ़वाने चलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा बैट का पता क्या हुआ। बैट की ना मैंने जो ग्रिप थी उसको उतार के ना अच्छे से साफ वाफ करी, वहाँ से जगह बैट को साफ करा, देखा हल्की सी ना उसकी ना लाइक जो हत्ती होती है बैट की वो हल्की सी हिल रही थी, तो मैंने सोचा चल डीका भी रोक के ना थोड़ी देर में इससे मैं करवाता हूँ कि बैट को ना अच्छे से मतलब फेविकॉल डलवा के ऊपर भूरा वूरा डलवा दूँ, ताकि लकड़ी जो है वो जो हत्ती है वो पूरी फिक्स हो जाएगी वहीं पर। और मैं आया था नीचे तो भाई अपना ये छोटा भाई आ गया था आज, इसका भी बताया था ना, इसका भी चैनल है। तो बस यार अब देखता हूँ, थोड़ी देर नीचे आया हूँ मैं, अभी जाते हैं बैट को ठीक करवाते हैं, क्योंकि भाई बैट बहुत मतलब स्ट्रोक बहुत सही है बैट की, अब बाकी देखते हैं बैट सेक्सी करने वाला था मैं, देख रहे हो। चलो यार अभी राउंड काटने आया हूँ धूप में, अब आया हूँ नीचे, 2:14 हो चुके हैं, 2:15 ठीक है यार, धूप लेके ऊपर आया था तो ना मेरे को मेरा बैट चिपकाना है, बिकॉज कल से मुझे इससे खेलना है ठीक है। तो भाई अभी मैंने ना हमारे घर पे मतलब भैया ये कारपेंटर भैया, तो जब हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने काम करा था एक नंबर का काम, एक नंबर का काम करते हैं भैया लक्कड़ का, तो मिलवाता हूँ पहले, आओ भैया आना जरा, नाम बताओ पहले सबसे पहले। मुन्ना नाम, क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना ठीक है भाई, भैया का काम एक नंबर होता है, किसने भी कुछ लक्कड़ का मतलब कुछ भी रिलेटेड कुछ काम करवाना हो लक्कड़ से रिलेटेड या मतलब कारपेंटर अभी है ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं नंबर डाल दूंगा कमेंट में, कमेंट में नहीं डालूंगा पर्सनल भेज दूंगा, क्योंकि यार कमेंट में समझ रहे हो पर्सनल नंबर होता है, सही बात है ना। सही बात। और बाकी भाई अपने भैया से अब काम करवाएंगे बढ़िया तरीके से इस बैट का, देखो यहाँ से हल्का सा टूट रहा है, जब बनेगा तब दिखाऊंगा प्रॉपर, अभी तो देख लो कि भैया क्या करोगे इस पे बढ़िया तरीके से। हाँ बढ़िया करेंगे, फेविकॉल डाल के इसका कील लगा देंगे ताकि टूटेगा नहीं दोबारा, मेरे को अभिषेक भाई ने बोला था कि फेविकॉल डाल के ऊपर बुरा डलवाइए, वो तो डलवा लूँगा पर वो दूसरे बैट के लिए बोला था, इस पे भी यही करवा लूँगा, अभी भैया को काम करवाना क्योंकि भैया को कहीं जाना भी है, तो फटाफट से काम करवाते हैं फिर मिलते हैं ठीक है। मैं आया हूँ बाहर बिकॉज मैंने बताया था कि मेरा भाई आने वाला है, तो उसका फ़ोन आया कि देव भाई जरा लेने आ जाना मुझे ABS पे, मैंने कहा क्यों तूने मुझे 10-20 करोड़ दे रखे, कह रहा नहीं दे तो नहीं रखे बट आना पड़ेगा, मैंने चल आ रहा हूँ बस भाई, जा रहा हूँ उसे लेने, दिखाता हूँ वहीं पहुँच के। आप आ चुके बना भाई, क्या हाल है? मास्क तो उतार के दिखा दे कौन है। हाँ अब पहचाने होगे लोग, भाई आ चुके देख रहे हो, आने के बाद फ़ोन कर रहा कि लेने आ जाओ, ऐसे होते हैं बंदे। और बता सब बढ़िया? सब बढ़िया चले, अभी गले नहीं मिले घर जाके मिलूंगा। घर जाते हुए भाई मम्मी पापा को कॉल आ गई, वही घर का सामान लेके आओ, और ये अपना भाई ये राव अच्छे से देख लो इसे, इसकी शक्ल, खोया हुआ इंसान मिल गया कुंभ के मेले में, कितने टाइम बाद आए बताइयो? एक महीने बाद मिला, आया था बीच में बट मैंने शूट नहीं करा था, एक महीना तो हो गया उस बात को भी, अब कर लिया, अब जाने नहीं दूंगा इसे, कल की पार्टी बना के भेजेगा 31 है कल, समझ रहे हो ना कौन सी पार्टी होगी, 31st night कौन आ रहा है। आए चलो भाई चलते सोसाइटी में, ये भी घर जाएगा, मैं भी घर वर जाके थोड़ा चाय वाय पी के नहावा लूँगा, फिर उसके बाद शाम को मिलेंगे, और शाम को पता ना क्या करना, आज एक बंदे की पिटाई करेंगे, दिखाएंगे कौन है वो बंदा शाम को। यार अब मैं आया हूँ नीचे बिकॉज ना यार क्या हुआ, अभी अभिषेक भाई का कॉल आया था तो मेरे को याद आया हमारे दो बैट जो टूट चुके थे पहले वाले, तो वो मैं ठीक करा रहा हूँ बिकॉज भैया भी ऊपर ही है, पापा कुछ काम करवा रहे थे भैया से, तो भैया ऊपर ही, मैंने कहा फटाफट से बैट मंगवाता हूँ, तो मैंने देव को फ़ोन करा तो देव ने हमारे टावर में रखवा दिया, अंकल से पूछते बैट आए हैं नहीं है, नीचे तो बैट लेने आया था, बैट तो भेज दिया उसने, AK वाला बैट भेजा, इसको ठीक करवाना ही तो ठीक है, बट AK वाला बैट भेज दिया कोस्को का, साव भाई का, मतलब मैंने उससे बोला था तो साव भाई बैट लाए थे वो वाला भेज, और इसने ये वाला भेज दिया, इसमें क्या खराबी है, और ये भी मिल गया नीचे, ये देखो मुँह धोया नहीं, आ गया नीचे उठ के, बेटा मेरे से सुंदर दिखता है, अच्छा फिर तो ज़्यादा प्रपोजल हो गए। ये पता कहाँ जा रहा है इस समय? जा रहा है अपने गगन के घर पे, गगन हमने बताया था, गगन गया था जब सोसाइटी में भंडारा था उस दिन गया था ना, 25 तारीख को तो गया और शाम में, हाँ तो वैष्णो देवी गया था, और कल रात में तो आज आया ना, कल रात में आया है, हाँ तो कल रात में आया था वो, वैष्णो देवी गया हुआ था, तो ये महादारी इसकी बहन को बुलाया है, और जात में ये बेचारा लोकड़ा जा रहा है,
मुलायम लड़की करो। ये देखो ये खड़ा हुआ हमारा। शाम के बज चुके हैं 8, सबको गुड इवनिंग। और भाई अब फ्री हुए हूँ मैं, जाके जब से बैट चिपकाया फिर घर के काम ये वो करते करते अब फ्री हुए हूँ, अब रेडी हुए हूँ, अब जा रहा हूँ नीचे। मतलब दोपहर से ऊपर आया हो, अब उतरूँगा नीचे एक ही बारी भाई, जाके कुछ चलते हैं बाहर। भाई आया था तो भाई को बुलाते हैं, वो आ रहा है अभी बस 5-10 मिनट में। उसके फ़ोन करा था मैंने, 5-10 मिनट में आ रहा है। उसके चलता थोड़ा घूमेंगे, कुछ खा पी के अगर मन हुआ तो खा पी भी लेके, और घूम के, वैसे तो घूम के क्योंकि उससे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, तो अच्छे से अपना घूम फिर के भाइयों के साथ आके फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। बिकॉज अभी तो मैं जा रहा हूँ, जब वो आता है ना तब कहीं जाएगा तो दिखा दूंगा। नीचे खड़े हुए 5 मिनट हो गए, अक्षत को मैंने फ़ोन करा था, कह रहा भाई बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, नीचे पहुँच में आ रहा हूँ। और तब तक मैं बैट ले आया, मैंने कहा बैट पे ग्रिप भी चढ़वा लूँगा। और देव से मैंने बोला था दूसरा बैट के लिए, रख के चला गया बंदे ने, फ़ोन नहीं करा कि ले लो देव भाई, नीचे बैट रखा है कुछ भी, रख के चला गया मैंने। अब देखा क्या फ़ायदा, अब तो भैया भी जा चुके थे, मैंने कहा ठीक है कल देखते, अब कल आएंगे भैया शायद, या जब भी आएंगे अब तभी ठीक होगा, अब तो होने नहीं वाला। अब जब तक मैं इस पर जा रहा हूँ बैट जो चिपवाने, क्या कहते हैं, ग्रिप लगवाने, बैट तो सही हो चुका है। भैया कह रहे थे बिल्कुल मजबूत हो गया, अपना टूटने वाला। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, ग्रिप मतलब इतनी जल्दी नहीं टूटेगा यार, देखो टूट तो जाएगी टूटी हुई चीज़, जो कितने टाइम चल जाएगी, बट हाँ भैया कह रहे मजबूत कर दिया। अब चलते हैं ग्रिप चढ़वाते हैं और फिर थोड़ा घूम के आएंगे, चूँकि ग्रिप चढ़वाने के लिए देखो अपना भाई ये रहा, तो उतार ले इसको मास्क को, करोना नहीं है, बताओ भाई से करोना है, कौन सी चढ़वानी चाहिए, है ना नहीं है बिल्कुल नहीं है। चाइना का एक बंदा है जो हमारे इंडिया का ही है, मतलब इंडिया का बंदा चाइना में शिफ्ट हो रखा है, डेली इंस्टाग्राम पे वो डालता है कि कुछ करोना नहीं है, चाइना वाले झूठ बोल रहे हैं, डेली रील बना के डाल रहा है वो आजकल। अब देख रहे भाई पर्फ की दुकान पे आए हुए ग्रिप चढ़वाने के लिए, पर्फ पट खुजनी है ना भैया, है नहीं है कोई तो है। देर में जाके एक ग्रिप फाइनल हुई है, और भाई चढ़ाने में लगा हुआ है, देखो भाई बहुत ज़्यादा शिद्दत से चढ़ाता हुआ ग्रिप, ये पूरी मेहनत अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जान दो ये मेहनत से पूरी, नीचे ना पूरा कवर कर देना अच्छे से, उस पर टेप वेप चिपका के ना बढ़िया सी, बिल्कुल सेट कर दूँगा और बिल्कुल एक नंबर की। उतार ले मेरे भाई मास्क, उतार ले मैं आग लगा दूंगा इसमें। ये पता नहीं क्या बंदा लगी है यार, ठंडी कम रखती। भाई को मार्केट घुमाने के लिए लेके आया हूँ गौर सिटी की साइड, जहाँ पे मैं आता था ना सुबह चाय पीने, आप सभी को बताइए पीछे लोकेशन देखो, ये देखो सेम पे, हाँ ऑरेंज ऑरेंज, ये वाली लोकेशन अपनी भाई, सुबह का क्राउड और रात शाम का क्राउड देखो यहाँ का भाई, अलग ही सीन है। कैसी लगी भाई तेरे को, बढ़िया जगह है, बढ़िया आया हुआ पहले बंदा भूल गया, बट इसको कह रहा भाई बढ़िया है बढ़िया जगह, मैंने कहा वाह बेटा वाह भूल रहा है, क्या खाना बताओ, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो चाय पीने आया ना मैंने, अकरम भाई की चाय पीते उसके बाद देखते आगे का क्या सीन है। सभी अभी घर पे आए बिकॉज ना यार अक्षत का ना क्या सीन है, वो घर पे आया था शाम में क्योंकि ना यार स्पेशल वो इसलिए आया, आशी जो है मतलब उसकी भांजी लगती है, उसकी बहन की बेटी, तो वो ऊपर मतलब मेरे ऊपर ही रहता है अक्षत जस्ट, तो वो अकेली है मतलब घर पे, मतलब आंटी है सिर्फ घर पे, मम्मा उसकी मम्मी नहीं है और पापा नहीं है, सारे गए हो ऑफिस, तो वो रात को आएगी लेट, तो अक्षत मेन इसलिए आया था कि ताकि वो आशी को देख लेगा, आंटी के साथ कितना ही रहेगी ना वो, तो इसलिए वो आया था, तो बस इसी चक्कर में उसे जल्दी जाना पड़ गया। और अभी बच चुके 9:30, और मैं जब बाहर गए थे कुछ खाने पीने के लिए तो हमने बैट रख दिया था अपने मेन सोसाइटी के गेट पे, ताकि यार बैट लेके कहाँ तक घूमते, वरना बंदे कुछ और ही सोचते हैं कि बैट लेके घूम रहा है ये है वो है, समझ रहे हो ना, तो हम बहुत शरीफ घर के बालक है हम, कुछ ठीक है हम बहुत शरीफ है, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। और भाई मैं ना कुछ खा के नहीं आया, मतलब चाय पी की और अपना स्ट्रिंग विंग पी थी बाहर से, वही खा मतलब पी वी के खाली, चाय वाय और स्ट्रिंग पी के खाली, कुछ खा के तो आए नहीं है, तो मम्मी से पूछता हूँ मम्मी ने डिनर में क्या बनाया, अगर कुछ बढ़िया बना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो मैं अपना सोच रहा हूँ मैक्रोनी बनवाता हूँ, मम्मी से बढ़िया सी मम्मी मैक्रोनी एक नंबर बनाती है, पास्ता तो सब मतलब मम्मी हर चीज़ ही बढ़िया बनाती है ठीक है। और मैं देखो भाई बैट पे जो ग्रिप चढ़वा के आया हूँ, देखो कैसी लग रही है, ग्रिप वाली ग्रिप चढ़वाई है वाइट कलर की, इतनी बेहतरीन लग रही है ये ठीक है। अभी ना उसने क्या हुआ मतलब भैया पे ना वो ख़त्म हो गई थी टेप, तो मैं इस पर अपनी ब्लैक कलर की जो बिजली वाली टेप होती ना वो लगाने वाला हूँ, बिकॉज ना ये हटेगी नहीं यहाँ से अगर टेप लग जाएगी, और इसे थोड़ा साफ़ करते कल के लिए, बाकी बढ़िया भी लगेगा। और वो भाई दुकान वाले भैया भी कह रहे हैं, पापा तो दुकान वाले भैया भी कह रहे क्या बैट है कब का बैट है, मैंने कहा भाई 10-15 साल पुराना बैट है, आज का बैट नहीं है, कह रहे आवाज़ भी बढ़िया आ रही है इस पर, मैंने प्रॉपर बैंड वैंड सब चढ़वा रखे क्योंकि मैं लेदर से खेलता था भाई मैं,
अकेडमी वाले थोड़ा ठीक है पहले जब पहले के टाइम पे, अब नहीं तो बहुत टाइम हो गया यार। चलो ठीक है, अब बाकी इस पे टेप चिपकाते हैं। मम्मी से पूछते हैं क्या हमारी मम्मा मम्मा क्या बनाया, सच सच बताना आज। आज मैंने मूंगी धुली दाल साथ में चटनी पकोड़े बनाए थे मैंने शाम को, और गाजर गोभी शलगम का अचार, आंवले मिर्च का अचार। अरे खाने में क्या बनाया, अचार नहीं पूछ रहा। मूंगी धुली भाई, मूंगी धुली दाल बनाई है यार, मेरी फेवरेट तो है, बट मेरा मन है पास्ता खाने का। कल 31 है तो कल ही एक ही बारी पार्टी करेंगे बाहर से, कल ही खाऊंगा बाहर से, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली बाहर से नहीं खाया है। वरना मैं डेली बाहर से खा के आता था, दाल खाओ जब उसके बाद जाता था अपनी, तो बाहर से खा के आता था मैं, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि रोटी खाओ, हाँ दाल और रोटी खा के फिर चलते हैं नीचे 10:30-11 के अराउंड। अक्षत को मैंने बोला कि एक बार आ जाइए नीचे, थोड़ा वॉक वॉक करके फिर चले जाइए ऊपर, क्योंकि यार अभी वो आशी को देख रहे हैं, तब तक आशी सो भी जाएगी। तो चलो अब मैं खाता हूँ दाल और रोटी, खा लेते हैं आज कोई नहीं। पास्ता सोच रहा हूँ ना ही बनाऊँ और ना मैकरोनी बनाऊँ, और कल एक ही बारी बढ़िया तरीके से पार्टी करें, कल मना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय बाय। बस अभी पास से 10 मिनट पहले ऊपर आया था, और अभी बज चुके हैं 12:03, नेक्स्ट डे हो चुका है स्टार्ट, यानी कि 31 दिसंबर। आज डे पूरी मतलब पूरे साल का आखिरी दिन है। ये साल आप सभी का कैसा गया, क्या क्या न्यू हुआ भाई, कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। हमारा तो बहुत बढ़िया गया है ये साल, और आशा करता हूँ कि अगला साल भी मेरा बढ़िया जाए और सबका बहुत अच्छा जाए, जो भी सबकी विशेषता सारी पूरी हो और अच्छे से पूरी हो। ठीक है, और भाई पता नहीं अभी कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, आई डोंट नो क्या हुआ, बट अच्छा था जो भी था। ठीक है, और सेकेंड थिंग बताऊँ, नहीं बता रहा, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। जाके ना नेक्स्ट ब्लॉग देखना है ना, तो जाके चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और बेल को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि न्यू वीडियोस जब भी मैं डालूं तो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है भाई, कल का देना, कल का ब्लॉग जाके जरूर देखना सारे, बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इतना ज्यादा स्पेशल है कल का दिन भाई, क्या ही बताऊं। मतलब कल के ब्लॉग में जो मजा आने वाला ना, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, अभी जाके मैं सोने वाला हूँ, बिकॉज यार 12:06 हो चुके हैं ब्लॉग बनाते बनाते, तो सोऊंगा और कल सुबह उठना है आप सभी को पता है, बैट बॉल खेलने जाऊंगा, और वहां पे कुछ स्पेशल है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो जाके जल्दी से कर देना मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड सबको बाय बाय, जय श्री राम। सारे कमेंट में लिख देना जय श्री राम।